हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नवधा। वेलकम बैक टू नवधाज किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूं, जिसका नाम है मैगी पिज्ज़ा। वाओ, ये तो डबल बोनांजा हो गया, जिसमें मैगी भी है और पिज्ज़ा भी, दोनों ही हमारे फेवरेट हैं। सो लेट्स मेक मैगी पिज्ज़ा, डू वॉच इट। ओ ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज की हमारी फ्यूजन रेसिपी है मैगी पिज्ज़ा, विच इज़ चाइनीज़ एंड इटालियन। इसके लिए हम दो केक्स मैगी लेंगे और मैगी मसाला। ओके, हम इसको नॉर्मल जैसे अपनी मैगी कुक करते हैं बिल्कुल वैसे ही कुक करेंगे, विद द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ एज प्रिस्क्राइब्ड इन आर मैगी पैकेट्स। ये मैंने इसको कुक होने रख दिया है, बट मेक श्योर आप इसका पानी लास्ट पे पूरा सुखाएं। हमें इसके अंदर पानी नहीं रखना है बिल्कुल भी, अगर पानी रहेगा तो हमारा बेस सेट नहीं होगा। ओके, और इसका जो केक है, जो आप जो अंदर मैगी नूडल्स निकाले हैं, उसको ब्रेक नहीं करना है नूडल्स को। हमें इसके लिए लॉन्ग नूडल्स चाहिए ताकि वो आपस में एंटैंगल होकर हमारा अच्छे से बेस बना सके। ओके, ये हमारी मैगी कुक हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल पानी सुखा लिया है, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है, अच्छे से कुक्ड है। और बिल्कुल ड्राई मैगी टाइप होनी चाहिए, जैसे होती है ना चिपकी चिपकी मैगी, वो चिपकेगी तभी हमारा मैगी का बेस बनेगा। ओके, अब इसको हल्का सा कूल डाउन कर लेते हैं। कूल करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। आप प्लेट के ऊपर फॉइल लगा लीजिए या फिर क्लिंग रैप आता है वो लगाकर उसके ऊपर अपना ये मैगी निकालिए और इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बेस की तरह सेट कर दीजिए। थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, जितनी नॉर्मल पिज्ज़ा बेस की होती है उतनी, नाइदर टू थिन नॉर टू थिक। ओके, ये ऐसे ऐसे आप इसको थोड़ा स्प्रेड करके सेट कर लीजिए। ये हमारा पिज्ज़ा बेस सेट हो गया है। अब हम इसको इसी फॉइल से रैप कर देंगे, फॉइल या क्लिंग रैप, थोड़ा बड़ा पीस लीजिएगा। रैप करके हम इसको 2 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ओके, फ्रीज़र में, तभी ये हमारा बेस सेट होगा। ऐसे कवर कर दिया हमने और अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। ऑलराइट, 2 आवर्स हो चुके हैं, खोल के चेक करते हैं। लुक्स नाइस, लुक्स की अच्छे से सेट हो गया है। एक बार ही हाथ में उठाकर देख लेते हैं, क्लोजअप लुक देखिए आप, लुक सेट। पूरा जो मैगी है चिपक के बेस फॉर्म कर रही है। ये उठा के देखें आराम से, हाथ में एक सिंगल पीस की तरह उठ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ नाइसली सेट। ये इसकी फ्लिप साइड भी देखिए, इसीलिए हमने इसके अंदर पानी नहीं छोड़ा था ताकि ये इतना अच्छा सेट हो। पानी छोड़ देते तो ये लूज लूज सेट होता और फिर हमारा बेस कैसे बनता पिज्ज़ा के लिए। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले बनाने के लिए इस बेस को हम टोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके अपनी पिज्ज़ा टॉपिंग्स लगाएंगे। मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इस पर आप ऑयल या बटर कुछ भी थोड़ा सा ड्रिजल कर लीजिए और उसके ऊपर इस बेस को हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, दोनों साइड से सेकेंगे, फिर हम अपनी पिज्ज़ा सॉस एंड टॉपिंग्स लगाएंगे। और प्लीज़ इसको सेकते हुए थोड़ा जेंटल रहिएगा, बहुत ज़्यादा हार्श फ्लिप ओवर्स नहीं करने। वैसे दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट स्टिल नो हार्श फ्लिप ओवर्स। एक बार फ्लिप कर दिया है आपने इसको, ये देखिए कितने अच्छे से सेट है, कहीं से भी टूट नहीं रहा है, टच वुड, नाइसली सेट। अभी मैं एक बार इसको फिर से फ्लिप ओवर करके देखते हैं, हमारी वो साइड सिक गई है। यस, इट्स डन। इसके ऊपर छोटे छोटे आप ब्राउन स्पॉट्स देख सकते हैं, दैट मीन्स दिस साइड इज डन। अब इस साइड पे हम अपनी टॉपिंग्स एंड एवरीथिंग डेकोरेशन, पिज्ज़ा डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी पिज्ज़ा सॉस, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, देन कम्स हमारा वेजिटेबल मिक्स, जिसमें मैंने ये लिए हैं, क्यूब कर लिया, इनको अच्छे से डाइस कर लिया, टमाटर लिए हैं, ये कैप्सिकम ली है, ये स्वीट कॉर्न्स को बॉयल कर लिया है और मेरे पास ये विनेगर वाले टिंड एलोपिनोस थे जिसके मैंने 3-4 पीस ले लिए हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अब ये हम अपना जो वेजिटेबल मिक्स है, इसमें मैंने सॉल्ट एंड पेपर भी मिक्स कर लिया था, आप पहले मत कीजिएगा वरना वो वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगे। अभी हमारे वेजिटेबल मिक्स के बाद बारी आती है हमारी मोज़रेला चीज़ की। ओके, हमने ये सारा चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, इट्स नाइस ना। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे
और इसको 4-5 मिनट्स के लिए सिकने देंगे। सो फ्रेंड्स, 4.5 मिनट्स हो चुके हैं, लेट्स चेक। वाओ, दिस लुक्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? हु कैन से कि इसका, ये हमारा मैगी पिज्जा है, इसका बेस हमारा मैगी का है। हैव दिस क्लोजर लुक, लुक्स अमेजिंगली डिलिशियस। इट्स टाइम कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर हमने टॉपिंग्स में ऑलरेडी मिक्स करा हुआ है, बट डाल देंगे तो इन एनी केस टेस्ट एनहेंस ही होगा। लुक्स वेरी टेस्टी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऑल राइट, ये फ्रेंड्स मैंने इसको प्लेट पर निकाल लिया है। अब मैं इसको आपका क्रस्ट चेक कराती हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज डन। एक पीस देखिए, वाओ, यम्मीलिशियस पिज्जा, मैगी पिज्जा, अमेजिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नवधास किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के ऑटो अपडेट्स आते रहें। तो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स में, एंड डू शेयर दिस रेसिपी ऑफ मैगी पिज्ज़ा, डबल बोनान्ज़ा।